अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे से होंगे। आज मैं बिहारी स्टाइल आलू की भुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आलू की भुजिया बनाने के लिए मैंने एक किलो आलू को इस पतले पतले आकार में कट कर लिया है। कट करके धो के एक जाली में छन के पानी निकाल लिया है मैंने। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है पर खाने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक मोटे तले वाली कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पे। कोशिश करें कि कढ़ाई मोटा हो, नहीं तो पतला में आलू जल जाएगा। एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। सरसों के तेल डाल रही हूँ मैं, आप जो भी तेल डालना चाहे डाल सकते हैं। तेल को थोड़ा गर्म कर लेंगे। आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून राई, तीन लाल सूखी मिर्ची लिया है वो डाल देंगे। आलू कट करके रखा है वो भी डालते जाएंगे साथ में ही। आधा टीस्पून से भी कम हम हल्दी यूज करेंगे। ये आलू की भाजी का कलर येलो कलर का होता है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। ऐसे ही थोड़े थोड़े देर में चलाते रहेंगे और इसका कलर हल्का गोल्डन होने तक इसके पकाएंगे हम। बिहार का बहुत ही फेमस भुजिया है ये। कौन कौन अपने घर पे बनाता है ये भुजिया मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वापस चला लेंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, बस ऐसे ही पकेगा ये। चलिए आइए प्लेट में सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म बिहार फेमस आलू भुजिया की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप सबको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह से एक अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।